हेलो एवरीवन और स्वागत है आप सभी का हमारी आज की एक और न्यू वीडियो में और आज हम बात करने वाले हैं इस ऑल न्यू टाटा हैरियर के बारे में कुछ टाइम पहले हमने टाटा सफारी के बारे में बात करी थी उसका रिव्यू दिया था Which was an absolutely amazing car. उसको बहुत ही मजा आया उसका रिव्यू करने में और आज उसी तरह इस हेरियर के बारे में हम आपको बताएंगे कमाल की बात तो ये है कि यहाँ पे नई हेरियर के साथ साथ पुरानी हेरियर भी खड़ी है तो यहाँ पे मैं आपको बीच बीच में थोड़ा सा भी दिखा सकता हूँ क्या क्या यहाँ पे आपको चेंजेस मिलेंगे डिफरेंस ही बताऊंगा दोनों में इससे क्या बेटर है लेकिन जब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा तो ओल्ड वर्जन भी यहाँ पर है तो आपको एक क्लियर आइडिया मिल सकता है कि हाँ यार पहले ऐसा था अब यहाँ पे कुछ इस तरह से डिफरेंस आ गए तो यहाँ पे बहुत ही डिटेल में चीजें आपको पता चलने वाली है और सबसे पहले अगर हम प्राइसिंग की बात करते हैं तो देखो हैरियर भी एक सस्ती गाड़ी है नहीं ये जो आप सामने देख रहे हो ये इसका टॉप एंड मॉडल खड़ा है ऑटोमेटिक में इसका ऑन द रोड प्राइस आपको लगभग लगभग पड़ जाता है साढ़े तीस लाख रुपए और हैरानी की बात है कि जो नई वाली हैरियर है वो पुरानी हेरियर से ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है मतलब पचास से एक लाख रुपए का कुछ ऐसा डिफरेंस है इंजन की बात करें तो यहाँ पे भी आपको कोई ज्यादा बड़ा चेंज नहीं मिलेगा अभी भी यहाँ पर आपको टू लीटर का फोर सिलेंडर टर्बोचार्ज क्रायोटेक डीजल इंजन मिलता है इंजन प्रोड्यूस करता है 168 सिक्सटी एंड 350 हंड्रेड एंड मीटर ऑफ टॉक और अभी भी ये कार फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आती है सिक्स स्पीड का इसमें आपको टॉक कन्वर्टर गियर बॉक्स मिल जाएगा मैनुअल ओवर स्पोर्ट्स मोड और पैडल शिफ्टर्स के साथ 50 लीटर की इसमें आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है सिर्फ डीजल में ये कार आती है और माइलेज की बात करें तो कंपनी इसमें पंद्रह का माइलेज क्लेम करती है अब यहाँ पे सबसे पहले इसके एक्सटीरियर की बात करेंगे जहाँ पे सबसे बड़ा मेजर चेंज हो रखा है गाड़ी फ्रंट से दिखने में काफ़ी डिफरेंट लगती है और पहले से ज़्यादा बल्कि और वाइट लगती है जबकि अगर आप डायमेंशन में गौर करेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आ रखा है अभी भी वही डायमेंशन है वैसा ही ग्राउंड क्लेयरेंस वही व्हील बेस आपको मिलेगा लेकिन अगर आप इनके लुक्स को चेकआउट करते हो तो नई वाली जो हैरियर है पुरानी वाली से थोड़ी सी ज़्यादा वाइड लगती है सबसे ज़्यादा चौड़ी है और कलर कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे बहुत अच्छे और नए नए टाइप के रखे हुए हैं ग्रिल का डिज़ाइन काफ़ी डिफरेंट है काफ़ी वाइड ग्रिल यहाँ पे आपको मिलेगी इस कार में अब आप आपको एडास भी मिलता है फ्रंट में कैमरा मिल जाएगा फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स भी आपको मिलते हैं और मेन चीज जहाँ पे लोग कहते हैं यार पुरानी हेरियन में कि लाइट इसको एल ई डी कर देते डी आर तो एल आते हैं लेकिन जो मेन प्रोजेक्टर है वो एल नहीं रखी है कंपनी ने अब लेकिन जो नई वही लाइट्स हैं वो आपको कंप्लीट एलई सेटअप के साथ मिलती है देख रहे हो बिल्कुल आइस क्यूब शेप में आती है सिंगल प्रोजेक्टर यहाँ पे आपको मिलेगा ऊपर डी दे रखे हैं और ये भी अब आपको कनेक्टिंग लुक के साथ मिलते हैं जैसे आपने किया की गाड़ियों में देख रखा है पूरी लाइट यहाँ से इस उधर के डी आर एल में कनेक्ट हो रखी है तो शाम के समय एक अच्छा लुक मिलता है इस कार को और अगर अब हम साइड की तरफ को आएंगे और कभी इस कार को आप साइड से देखोगे भले पुराने वर्जन को देखो नए वर्जन को देखो तो साइड से कोई ज्यादा मेजर चेंज नहीं है यहाँ पे मतलब जैसे अगर आप इसकी साइड प्रोफाइल को देखो कुछ इस तरह से लेगी ठीक है बिल्कुल इस तरह से विंडो का डिजाइन डोर का डिजाइन सेम ऐसी चीज आपको इस तरह भी मिलती है वैसी एजेस आपको मिलेंगे वैसी डोर का डिजाइन रखा है वैसी विंडो का डिजाइन है बस ऊपर यहाँ पे रूफ बार दे रखे हैं इसमें रूफ बार नहीं दे रखे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये ऊंची है सिर्फ रूफ बार की वजह से बाकी देख लो साइज लगभग बराबर है सेम वही आपको 18 इंच के एल आई व्हील्स मिलते हैं मुझे पुरानी वाली का डिजाइन एलआई व्हील का ज्यादा अच्छा लगता था एज कंपेयर टू न्यू वन लेकिन ये भी शायद कुछ लोगों को अच्छा लग सकता है ग्राउंड क्लियरेंस अभी भी आपको सेम उतना ही मिलेगा जितना पहले आपको प्रोवाइड कर रही थी कंपनी और इवन अगर आप डोर हैंडल के डिजाइन को देखोगे इसमें पुरानी वाली में कुछ इस तरह से दे रखे और सेम वही डिजाइन आपको इस नई वाली में भी मिलेगा तो आप देख सकते हो तो साइड में कोई इतना बड़ा चेन नहीं है लगभग सिर्फ कुछ वैसा ही रखा हुआ है हाँ एक माइनर से डिफरेंस ये कि अब नई वाली में हैरियर जो है वो फ्रंट डोर में दोनों तरफ को कुछ इस तरह से रखे रहेगा जैसे आपने बड़ी प्रीमियम में देख रखा होगा पुरानी वाली में ऐसा नहीं होता तो ये चीज ज्यादा अच्छी है गाड़ी में थोड़ा सा नया लुक देने के लिए पीछे की लुक की बात करें तो अभी यहाँ पे उतनी स्पेसिंग नहीं है लेकिन देख सकते हो यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो क्लेली तो कुछ इस तरह से डिजाइन है यहाँ पे भी सेम वैसे ही जैसे पीछे का जो बम्पर है ना यहाँ पे से शुरू हो रखा है सेम वही चीज इस वाली गाड़ी में भी है ऐसा नहीं कि बम्पर का डिजाइन थोड़ा छोटा कर दिया है यहाँ पे से डिजाइन देना शुरू करा है या उसमें कुछ डिफरेंट है इसमें कुछ डिफरेंट है ऐसा नहीं है चीजें उतनी ही है मतलब साइज जितना था उतना ही है बस उसी के अंदर इन्होंने चेंजेस ला रखे हैं इसका तो पीछे की टेल लाइट का डिजाइन कुछ इस तरह से रखा हुआ है तो लुक्स में काफी अच्छा काम कर रखा है, है अभी भी यहीं पे लिखा हुआ मिलेगा पीछे आपको कैमरा मिल जाता है टाटा के लोगो के नीचे वही डिफॉगर वाइपर बॉडी फिट स्पॉइलर सारे फंक्शन आपको इसमें मिल रहे हैं और इसमें अभी भी आपको पीछे दो पार्किंग सेंसर्स का ऑप्शन मिलता है बूट स्पेस की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो इसमें भी आपको अच्छी खासी अमाउंट में स्पेसिंग मिल रही है देख लो सिक्सटी फोर्टी स्प्लिट सीट का इसमें आपको अभी भी ऑप्शन मिल जाएगा काफी बड़ी पार्शल ट्रे मिल रही है इसके अंदर आप काफी सारा स्टफ कैरी कर सकते हैं और स्पेसिंग की बात करें तो इसमें आपको 445 लीटर की बूट स्पेस मिलती है जो की काफी अच्छी है बहुत सारा स्टफ इसके अंदर आप कैरी कर सकते हो देख सकते हो देख से देख के लगता है कि इसमें आप आधे घर का सामान फिट कर दोगे खाली कहने वाली बात है लेकिन सामान बहुत सारा आएगा और इसके नीचे वैसे कुछ है नहीं बस इस तरह से दे रखा है ऐसा लगता है जैसे इसके नीचे स्पेर भी एक्चुअल में जो स्पेयर व्हील है वो आपको यहाँ नीचे मिलता है इस तरह से कभी कभी ऐसा होता है जब ढलान में होती गाड़ी तो ये चीज़ दिखती है नीचे तो थोड़ा उतना अच्छा लगता नहीं है पर कोई बात नहीं पर इसको पीछे आपको इस तरह से स्पीकर दे रखा है जेबीएल के इसमें आपको स्पीकर्स मिलते हैं म्यूजिक क्वालिटी इस कार की काफी अच्छी है अगर आप सुनोगे तो आप दीवाने हो जाओगे ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है टाटा की जितनी भी गाड़ियाँ भले आप पंच ले लेते हो या फिर आप नेक्सॉन लेते हो हैरियर लेते हो सफारी लेते हो सब में आपको म्यूजिक क्वालिटी काफी अच्छी मिलती है बाकी इंजन स्पेक में भी कोई डिफरेंस नहीं है माइलेज में भी कोई डिफरेंस नहीं पावर फिगर भी सब कुछ सेम आपको मिल रही है लेकिन ये तो था एक्सटीरियर इंटीरियर में भी बाहर की तरह काफी बड़ा चेंज है सबसे पहले देखो मैं आपको जो पुरानी वाली जो हैरियर है डार्क एडिशन है इसका मैं इंटीरियर दिखाता हूँ देखो आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरह से है कुछ इस तरह से स्टेयरिंग व्हील आपको मिलेगा सीट्स का डिजाइन कुछ यहाँ पे इस तरह से है सेंट्रल कंसोल आपको कुछ इस तरह से दे रखा है ठीक है नॉर्मल है मतलब कोई ज्यादा फैंसी नहीं है ठीक ठाक है मतलब ओके okay. ये देख लिया आपने अब चलते हैं नई वाली में ये देखो भाई ये है न्यू टाटा हैरियर का इंटीरियर काफी अच्छा है अंदर भी बाहर की तरह आपको येलो कलर की जो फिनिशिंग है जो कलर कॉम्बिनेशन है वो दे रखे हैं ब्लैक एंड येलो का फिनिश मिलेगा आपको नया स्टेयरिंग व्हील आपको मिलता है सीट्स भी ऑलमोस्ट वैसे हैं लेकिन इनकी कुशनिंग पहले से थोड़ी ज्यादा अच्छी कर रखी है और ऊपर सनरूफ कुछ इस तरह से तो जो सीट्स है इसमें आपको मेमोरी फंक्शन मिलता है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स आपको मिलेंगी वेंटिलेशन का भी इसमें आपको ऑप्शन मिलता है आगे पीछे इनको इलेक्ट्रिकली देख रहे हो इस तरह से ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो मेमोरी फंक्शन यहाँ बटन दे रखा है यहाँ पे और डोर भी सब कुछ वैसे ही है डोर में कोई चीज नहीं है बस थोड़ा कलर डिफरेंट है बाकी सॉफ्ट है जहाँ पे मिल जाएगा वाटर बॉटल वाट होल्डर अमरेला होल्डर आपको मिलते हैं और जो स्टार्ट स्टॉप बटन है वो इधर की तरफ दे रखा है और सबसे सब पहले स्टेयरिंग की बात करेंगे क्योंकि अब नए टाइप के स्टेरिंग वील टाटा की गाड़ियों में आ रहे हैं जो कि जिसमें टाटा का जो लोग है वो ग्लो करता है गाड़ी ऑन करने में जो कि काफी इंटरेस्टिंग चीज है ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा और इस टाइप का डिजाइन है मुझे मतलब जो नेक्स्ट और मैं आपने देख रहा हूं स्टेयरिंग व्हील का डिज़ाइन आ रहा है वो मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा लेकिन जो सफारी में और जो हैरिन में व्हील आ रहे हैं ये मुझे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं और बटन्स की क्वालिटी भी अच्छी है यहाँ पे और पैडल शिफ्टर्स यहाँ पे उतने मतलब थोड़े से मतलब वैसा फ़ील नहीं दे पा रहे मुझे लेकिन पैडल शिफ्टर्स के ऑप्शन है यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक वाइपर के फंक्शन है ऑटोमेटिक लाइट का फंक्शन आपको मिल जाएगा और यहाँ पे देखो सबसे बढ़िया सेंट्रल कंसोल की बात लगी वो है इसका जो गियर नॉब का डिजाइन है वो काफी अच्छा है बहुत महंगी महंगी जो प्रीमियम गाड़ी लग्जरी गाड़ी में इस टाइप का आपने नॉब देख रखा होगा स्पेशली जो ऑडी होती है उस टाइप का डिजाइन ही यहाँ पे दे रखा है ऑटो होल्ड का बटन दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग का बटन यहाँ पे मिल जाएगा और मोड सेलेक्टर दे रखा है जैसे मैंने आपको सफारी की वीडियो में बताया था सेम इसी टाइप का डिजाइन आपको जो इनकी ईवी आती है ना उसमें रखा गया मतलब समझ लो ईवी से उठा के इन्होंने जो डायल सेलेक्टर है वो इसमें फिट कर दिया है बीच में डिस्प्ले है जो ग्लो करती है इसके अंदर आपको ऑप्शन भी मिल जाते हैं हिल डिसेंट कंट्रोल दे रखा है स्पोर्ट्स मोड इको मोड के बटन यहाँ पे दे, मिल जाएंगे आपको और यही नहीं अब जो नई टच स्क्रीन आपको मिलती है 12 इंच की वो काफ़ी अच्छी है ये तो सबसे लोगों की सबसे पहली डिमांड थी भाई इतनी बड़ी गाड़ी पुरानी गाड़ियों में छोटी डिस्प्ले आती थी तो लोगों को वो अच्छा नहीं लगता था लेकिन अब यहाँ पे आपको एंड्रॉयड एप्पल दोनों सपोर्टेड बड़ी सी टच स्क्रीन मिलती है जो कि काफ़ी स्मूथ है बहुत ही बढ़िया मेरे पास चाबी नहीं है इस कार की नहीं तो मैं आपको ऑन करके इसके जो फंक्शन है फंक्शनैलिटी है वो दिखाता मैं और कैमरा जो क्वालिटी है टाटा सफारी और हेरियर की वो सेगमेंट में बेस्ट है मेरे हिसाब से मतलब सबसे बेस्ट है बहुत ही क्लियर क्वालिटी बहुत क्लियर विजिबिलिटी इन कैमरे में आपको मिल रही है गाइडेंस भी उसमें कुछ शो होता है हाँ एक चीज मुझे थोड़ा अच्छा ही लगा यहाँ पे जो वेंट्स में प्लास्टिक यूज कर रखा है ना ये मतलब वो गाड़ी में और जो मेटेरियल और जो डिज़ाइन दे रखा है उससे मैच नहीं कर रहा है तो यहाँ पे ग्लॉसी फिनिशिंग होती है या फिर कुछ और होता तो वो थोड़ा सा चीप फील हो रहा है बाकी मुझे ऐसी कोई और दिक्कत नहीं है बटनों को हटा दिया है जेक्स्चर वाले जो बटन्स होते हैं ना उनको यहाँ पे मिल जाए वो वाले फंक्शन यहाँ पे दे रखे हैं जहाँ से आप बूट को अनलॉक कर सकते हो डोर को लॉक अनलॉक करने वाले जो फंक्शन है कैमरा को यहाँ से ऑन ऑफ़ करने वाले जो बटनस हैं वो इसमें दे रखे हैं एसी सी के जो कंट्रोल्स हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे मेरे हिसाब से ना वैसे पर्सनली मेरा जो ख्याल है मैं थोड़ा सा थोड़ा सा ओल्ड फैशन हूँ तो यहाँ पे अगर डायल्स वाले ऐसे बटन जो होते हैं जो क्लिक क्लिक के लिए आवाज़ आती है वो मुझे थोड़ा पर्सनली ज़्यादा अच्छा लगता है अब खैर मॉडर्न चीजें होंगे तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली कंपनीज को भी मॉडर्न करने वाली थी बाकी यहाँ पे आपको एक्चुअल में लेदर की फिनिशिंग मिल जाएगी स्टिचिंग मिल जाती है फेक नहीं है प्लास्टिक नहीं है लेदर दे रखा है यहाँ पे भी आपको ऊपर टच मिल जाएगा सॉफ्ट मटेरियल दे रखा है ये आपका हार्ड प्लास्टिक है ऑटो डिमिंग आपको आयरवे मिल जाएगा सनरूफ के जो कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं इस तरह से काफ़ी बड़ी पैनोमिक सनरोफ़ आती है और यही नहीं भाई अब टाटा की कार है तो सेफ्टी में तो क्या ही कहें सेफ्टी फ़ीचर्स की बात करें तो इसमें आपको सेवन एयर मिल जाते हैं हर तरफ आपकी एयर बैग्स फिट कर रखे हैं ए बी एस ई बी डी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम हो गया हिल डिसेंट कंट्रोल हिल होल असिस्ट आपको मिलेगा ट्रैक्शन कंट्रोल जितने भी ऐसे फीचर्स हैं सब आपको इस गाड़ी के अंदर मिल रहे हैं और जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि गाड़ी में अब आपको एडवांस लेवल का सिस्टम मिलता है तो वैसे कुछ फंक्शन भी यहाँ पे मिल रहे हैं जैसे आपको फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स मिल जा रहे हैं 360 डिग्री कैमरा मिल जाएगा ऑटोमेटिक ब्रेकिंग फंक्शन है वो इस कार में मिल जाते हैं एफ सी डब्ल्यू भी आपको मिलता है मतलब फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग जो सिस्टम है वो भी इसके अंदर इंक्लूड कर रखा है लेन डिपार्चर वार्निंग हो गई लेन डिपार्चर प्रिवेंशन जो ऐसे फीचर्स हैं वो इस कार में आपको कंपनी दे रही है पंचर किट भी इसमें आपको मिलता है मतलब पंचर किट एडास का नहीं है लेकिन पंचर किट भी इसमें आपको मिल रही है जिस वजह से कह रहे हैं इस कार को ग्लोबल इन कैप में तो फाइव स्टार रेटिंग मिल रखी है ही साथ ही साथ भारत ने जो अपना क्रैश टेस्ट जो सिस्टम खोला था उसमें भी इस कार ने फाइव स्टार रेटिंग स्कोर कर रखी है अगर आप एक सेफ कार देख रहे हो तो आंखें बंद करके टाटा में आप भरोसा कर सकते हो और यहीं से अब हम इसकी पीछे की सीट में चलेंगे बैक स्पेस में तो पहले ही आपको एक अच्छा कंफर्ट मिलता था और अब आपको यहाँ पे जो सीट्स है पहले के मुकाबले थोड़ी सी कुछ नहीं इसमें शुरुआत में कहा था ना कुछ नहीं थोड़ी सी और सॉफ्टर हो गई है तो पीछे एक ज़्यादा अच्छा कंफर्ट मिलेगा पीछे का लुक आप चेकआउट करो वो सीट थोड़ी ज़्यादा पीछे को हो रखी है लेकिन पीछे इनफ अमाउंट में स्पेस आपको मिल जाती है दो एडजस्टेबल आपको बड़े अच्छे वाले हेड्रेस मिलते हैं देख लो नॉर्मल नहीं मतलब ये थोड़े इस तरह से इनको आप मोड़ सकते हो ताकि अगर आप एक लंबे सफ़र में और आपको नींद आ रही है तो इसको आप इस तरह से मोड़ के अपना सर रख सकते हो ताकि आपका सर इधर से उधर डोले ना आराम से आप सो लेट सकते हो कंफर्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा बैक सपोर्ट बहुत ही अच्छा है अंदर थाई सपोर्ट भी यहाँ पे आपको काफी बढ़िया मिलता है और लेग रूम स्पेस भी इस कार में काफ़ी अच्छा है अभी सीट थोड़ी ज्यादा पीछे को कर रखी है मैंने आगे भी शूट कर रहा था तो लेग रूम स्पेस भी यहाँ पे अच्छी अमाउंट में मिलता है आम रस मिल जाता है दो कप होल्डर के इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे पीछे आपको ट्विटर्स भी मिल जाते हैं इसमें जेबिल इस तरह से लिखा हुआ है और यहाँ पे पीछे सनशेड का जो ऑप्शन है वो भी कंपनी देती है और एक चीज़ और गौर करना कि जो लाइट्स हैं वो आपको यहाँ पे साइड की तरफ को दे रखी हैं जो कि मुझे थोड़ा सा कभी कभी एनॉय लगता है कि मान लो अगर आप जैसे सामने देख के चल रहे हो रात का शाम का टाइम हो गया पीछे आपको लाइट खोलनी है ज़्यादा लाइट तो लोग खोलते नहीं लेकिन जब खोलते हैं तो यहाँ पे जो साइड में बंदा बैठा होगा इस तरफ को इस तरफ को तो वो थोड़ा आँखों में लगती है तो इसकी प्लेसमेंट थोड़ा यहाँ से रख कर या उधर करते या थोड़ा सा कहीं और रखते तो मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगता हो और एक चीज गौर करना पीछे यहाँ पे आपको इस तरह से फोन रखने के लिए स्पेसिंग है और पीछे आपको फसबी का एक पोर्ट मिलता है और एक सी टाइप वाला पोर्ट मिलेगा चार्जिंग के लिए और आगे आपको वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन इस कार में मिलता है तो ओवरऑल देखा है जो नई वाली हैरियर है काफी अच्छी दे रखी है मतलब फीचर्स में काफी अच्छे इंक्लूड कर रखे हैं दिखने में काफी बेटर लगती है पुराने वाले वर्जन के हिसाब से कई नए ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे और सबसे मेन चीज है कि गाड़ी उतनी महंगी नहीं कर रखी है बाकी आप लोगों को इस नई हेरियर के लुक कैसे लगेगी आपको क्या लगता है इस कार के बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना बहुत जल्द मिलते हैं आपको ऐसी और नई वीडियोज के साथ